इमरान खान को निकालने की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी थी। सीनियर सहाफी हामिद मीर का बड़ा इंकशाफ। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का जो मंसूबा बनाया गया उसकी मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि नून लीग चाहती थी कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी कि इस्तीफों की बजाय तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसके बाद आसिफ जरदारी ने शर्त पेश की कि अगर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाए तो वो MQM, BAP और काफ लीग के साथ बाकी इत्तेहादियों से वोट ले आएंगे, जो वो ले भी आए थे। लिहाजा इमरान खान को हटाने के मंसूबे की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी थी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने मजीद कहा कि जब इमरान खान रुखसत हो गए तो इत्तेहादी हुकूमत के कुछ अरसा गुजरने के बाद पीपल्स पार्टी को महसूस होने लगा कि बहुत से मामलात में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाता और बाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी में ज्यादा दूरियां BAP की वजह से पैदा हुई, क्योंकि पहले BAP पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया और BAP को कहा गया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में नहीं बल्कि नून लीग में जाना है। इसके बाद अनवारुल हक काकड़ ने पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की लीडरशिप से मुलाकातें शुरू कर दी, जिसके बाद फड्डा शुरू हो गया।